Bismillahir Rahmanir Rahim mere assalamu alaikum as you know we are discussing control of air pollution and in the first instance we have been talking about the control equipments or the control devices for particulate matter or the equipment for the control of suspended particulate matter and we have discussed gravitational settling chambers cyclone separator fabric filter and electrostatic precipitator in the last two lectures today we will be talking about one more type of control device or the control equipment that is wet collectors or कैन से वेट स्क्रबर्स जो वेट कलेक्टर्स होते हैं या कंटेमेंट्स होते हैं इन में जो पार्टिकुलेट होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है पोल्यूटेड गैस से बाय इनकॉर्पोरेटिंग द पार्टिकुलेट्स इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स मतलब ये कि इस पोल्यूटेड गैस स्ट्रीम पर पानी का छिड़काव किया जाता है और पानी के ड्रॉपलेट्स के साथ ये जो पर्टिकुलेट पार्टिकल्स होते हैं या सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के साथ चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद नीचे गिर जाते हैं बहुत सिंपल तरीका है इसका वेरी सिंपल वे इसकी दो तीन किस्में हैं स्वेट कलेक्टर की या इसके दो तीन तरीके हैं एक है नंबर वन इट इज स्प्रे टॉवर नंबर वन इट इज स्प्रे टॉवर आई विल टेल यू यू कैन लुक एट द डायग्राम दिस इज स्प्रे टॉवर नंबर वन क्या होता है ये देखें आप ये है इनलेट फॉर मैं इसको स्पॉटलाइट करूंगा ये देखो ये है इनलेट फॉर पोलूटेड केस ये जो चिमनी से इंडस्ट्री से केस निकलती है इसको पहले यहाँ से इंटर करवाया जाता है इसके लिए अंदर आने का रास्ता ये है तो बाहर जाने का रास्ता ये है दिस इज क्लीन एयर बाहर जाने का रास्ता जो क्लीन एयर के लिए वो ये है आई शो इट लाइक दिस This is clean air. अब क्या किया जाता है जब इसको यहां से इसमें दाखिल किया जाता है तो ये देखें आप ये है पानी की पाइप ये पानी की पाइप है और इसमें ये छोटी छोटी नोजल्स हैं जहां से पानी का छिड़काव होता है ऊपर से यहां से जब अंदर आई गैस जिसमें पर्टिकुलट मैटर था जिसमें गर्दा भी था जिसमें एस, एस के ये पार्टिकल छोटे बड़े थे तो विद हाई स्पीड तो क्या होता है ऊपर से पानी जब पानी का छिड़काव होता है वो सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर जो होता है वो इन पानी के ड्रॉपलेट्स के साथ चिपक कर नीचे आ जाती है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लैक ड्रॉप्स आपको दिख रहे हैं ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहे हैं दिस इज अ सस्पेंडेड मैटर दैट आर सेटलिंग डाउन ये सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर के वो पार्टिकल्स हैं जो नीचे आ रहे हैं पानी के साथ चिपक कर जो ही पोल्यूटेड गैस अपवर्ड्स की तरफ फ्लो होता है जो भी पार्टिकल्स ऑलमोस्ट पार्टिकल्स एक्सीडिंग टेन माइक्रोमीटर इन साइज साइज का बहुत ख्याल रखना है हर जगह पार्टिकल्स तकरीबन जो दस माइक्रोमीटर से जो भी पार्टिकल्स बड़े होंगे वो इस पानी के साथ चिपक जा सकते हैं और चुपक सकते हैं और नीचे आ सकते हैं कोलाइड होते हैं पानी के साथ पानी के ड्रॉपलेट्स के साथ और दे आर स्प्रे डाउनवर्ड्स फ्रॉम द स्प्रे नोज। सिंपल है दिस इज वन वे और दिस इज वन टाइप ऑफ वेट कलेक्टर और स्क्रबर दिस इज एज स्प्रे टॉवर इसमें पानी को ऊपर से स्प्रे किया जाता है नीचे से हवा चली जिसमें गैस ये पोलूटेड गैस था पर्टिकुलर मैटर था ऊपर से जो पानी आया वो बड़े बड़े पार्टिकल पानी के ड्रॉपलेट्स के साथ चिपक कर क्लाइड करके नीचे चले आए अंडर ग्रेविटी और उनको यहाँ से कलेक्ट किया जाता है एंड दिस इज आउट वाटर जो है इसके साथ चूंकि गर्दा मिला पर्टिकुलर मैटर मिल गया वो गंदा हो गया इसको यहाँ से बाहर निकाला जाता है आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स अगर आपको समझ ना आता हो गए तो मेहरबानी करके मेरे नंबर पर कॉल करके मुझसे आप कलेक्ट भी कर सकते हैं कमिंग बैक टू वन मोर टाइप ऑफ वेट कलेक्टर दिस इज वेन टूरी स्क्रबर वैन ट्यूरी स्क्रबर वी एन टी यू आर आई वेन ट्यूरी स्क्रबर वॉट इज दिस एक्चुअली ये खाली ये वाला पोर्शन है दिस पोर्शन ये जो ट्यूब है ना जो आपको नजर आता है ये वाला ट्यूब ऐसा कोई भी ट्यूब जो इस शेप का हो तो खेर इट लाइक दिस जो कोई भी पाइप जो बीच में कंस्ट्रिक्टेड हो ये वाला पोर्शन जो उसका है ये वाला पोर्शन दिस इज कंस्ट्रक्टेड ये तंग है साइड से वो ब्रॉड है इस वाले ट्यूब को इस शेप के ट्यूब को बोलते हैं वेंट्यूरी दिस टाइप ऑफ ट्यूब इज नोन एज वेंट्यूरी बिल्कुल यही यहां पे है आप देख सकते हैं यहां से ये है ब्रॉड यहाँ से ये है ब्रॉड लेकिन बीच में है ये जो है ये वाला पोर्शन ये तंग है इसलिए इसका नाम है वेंट्यूरी स्क्रबर इसमें बहुत छोटे पार्टिकल्स वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द साइज ऑफ अबाउट पॉइंट फाइव टू तो फाइव माइक्रोमीटर्स, जो स्मोक के साथ एसोसिएटेड होते हैं यह है इनलेट यहां से गैस अंदर आती है गैस, इसके साथ जो भी पार्टिकल्स होंगे डस्ट के तकरीबन इस साइज के 0.5 पॉइंट टू फाइव माइक्रोमीटर बहुत छोटे पार्टिकल्स, दे आर वेरी इफेक्टिवली रिमूव बाय दिस हाईली एफिशिएंट वेन स्क्रबर जैसा कि आपको फिगर से नजर आता है वेंटुरी स्क्रबर जो है इसमें एक वेंटुरी है वेंटुरी शेप्ड या थ्रोट इसको बोलते हैं वेंटुरी शेप्ड थ्रोट ये वाला पोल्यूटेड गैस नीचे चली आती है इट मूव्स डाउनवर्ड्स इस थ्रोट के बीच में से तकरीबन 60 से 80 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से गैस को अंदर लाया जाता है से एक 60 से 180 मीटर 60 टू 180 मीटर और फिर क्या होता है इसमें यहाँ इसमें भी बिल्कुल यहां से कोर्स पानी का छिड़काव किया जाता है अपवर्ड्स इन टू द थ्रोट जहाँ पे इस पानी की अटमाइजेशन होती है मतलब ये ये वॉटर ड्रॉपलेट्स में ब्रेक होता है ऊपर से हवा का जो दबाव है या हवा की जो वेलोसिटी है जो ऊपर से नीचे नीचे की तरफ है और बहुत ज्यादा है और उस हवा की वेलोसिटी की वजह से उसकी रफ्तार की वजह से जो पानी के ड्रॉपलेट्स ये यह पानी यहाँ से पानी का छिड़काव किया जाता है इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू ड्रॉपलेट्स जिसको एटमाइजेशन बोलते हैं पानी की द वाटर गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू ड्रॉपलेट्स ड्यू टू द इंपैक्ट ऑफ हाई वेलोसिटी ऑफ दिस गैस दिस इज नोन एज एटमाइजेशन अब ये जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं ये जो अलग-अलग पानी के ड्रॉपलेट्स हैं ये कोलाइड होते हैं इस हवा के पार्टिकुलेट मैटर के साथ जो प्लेड गैस के साथ जो भी पार्टिकल्स गर्दे के होंगे मिट्टी के होंगे व्हाटएवर इट इज वो चिपक जाते हैं और पार्टिकल्स जो हैं दे गेट एंट्रैप्ड इन द ड्रॉपलेट्स एंड फॉल डाउन नीचे गिर जाते हैं और इनको यहां से फिर रिमूव किया जाता है कभी-कभी क्या होता है ये जो ये वाला पोर्शन है कभी कभी इस वेंट्योरी स्क्रबर को साइक्लोन सेपरेटर के साथ या साइक्लोन के साथ अटैच किया जाता है uh, समटाइम्स दिस जो डायग्राम है दिस इज स्क्रबर लेफ्ट वाला पोर्शन लेकिन राइट वाला पोर्शन जो है दिस इज साइक्लोन सेपरेटर ये इसके साथ अटैच है वाइज सो दिस इज देश मैटर फ्रॉम द्री जो गैस लिक्विड का मिक्सचर है इस वेंट स्क्रबर में इट इज डायरेक्टेड इन टू देशन डिवाइस डिपरेटर है उसमें डाला जाता है फिर ही अलग होता है वहाँ ये भी एक बहुत सिंपल मैकेजम है हाई वेलासिटी पलूटेड गेस जो है वो हाई वेलोसिटी पर अंदर लाया जाता है वेंटरी के थ्रोट में यहाँ से अंदर से पानी का छिड़काव किया जाता है तो गैस की हाई वेलोसिटी की वजह से पानी के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं जिसको एटमाइजेशन बोलते हैं और उन एटम्स के साथ या सॉरी उन ड्रॉपलेट्स के साथ वाटर ये, ये पर्टिकुलेट मैटर के पार्टिकल्स जो हैं तकरीबन इस वाले साइज़ के 0.5 टू 5, तो 5 माइक्रोमीटर साइज़ के जो भी पार्टिकल्स हैं उसके साथ चिपक जाते हैं और नीचे चले आते हैं और उनको फिर सेपरेट किया जाता है अलग कभी कभी इसको बोलते हैं या साइक्लोन सेपरेटर

सॉरी वेट स्क्रबर की तीन किस्में एक है पहला वाला जो आपने देखा स्क्रिट ओवर दूसरा है वेंटुरी स्क्रबर जो हमने अभी देखा और लास्ट वाला है ये साइक्लोन स्क्रबर हमने जो लास्ट में पढ़ा था इससे पहले अलग साइक्लोन सेपरेटर जो ड्राई साइक्लोन चैंबर है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू तो वेट वेट साइक्लोन स्क्रबर सिंपली बिल्कुल वही मैकेनिज्म यहां पर भी है उसी ड्राई साइक्लोन स्क्रबर को या चैम्बर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन टू अ वेट साइक्लोन बाई इंसर्टिंग हाई प्रेशर स्प्रे नोजल कई जगहों पर जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम की तरफ और इस डायग्राम से ही सारी बात समझ आती है लुक हियर ये यहां से है पानी दिस इज द वॉटर पाइप दिस इज द इनलेट फॉर पल्यूटेड केस यहाँ से गंदी हवा अंदर लाई जाती है इसमें चैम्बर में सेपरेटर में और यहाँ से इसका आउटलेट है क्लीन हवा के लिए बाहर जाने के लिए बिल्कुल उसी तरह मैंने आपको पश्चिम बोला कि इसमें क्या होता है इसमें सेंट्रिफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है जब यहाँ से हवा को लाया जाता है अंदर तो इट अ रोटरी मोशन हमने परसों देखा और उस रोटरी मोशन या रोटेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन की वजह से जो फोर्स अटैन होता है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां हमने देखा था कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये क्लाइड होते हैं विद वॉल्स ये टकरा जाते हैं वॉल्स के साथ फिर वहाँ वहाँ हमने ऐसे देखा था वहाँ ऐसे था नीचे वो जहाँ कलेक्ट करते थे पर्टिकुलर मैटर को या घरवे को यहाँ पे भी बिल्कुल वही मैकेनिज्म है लेकिन एक बात यहाँ पे ऐड की जाती है यहाँ पे यहाँ से पानी की पाइप है और यहाँ से इसकी नोजल्स है यहाँ से पानी बाहर आ सकता है ये वाले ये ये नोजल से जहाँ से पानी का छिड़काव किया जाता है पानी को फेंका जाता है अंदर से जो ही ये हवा चली चलती है यहाँ से पानी भी चलता है तो पानी की मदद से जो यहाँ से भी पानी यहाँ से भी पानी यहाँ से भी पानी पानी की मदद से ये जो ड्रॉपलेट्स है सॉरी ये जो पर्टिकुलेट मैटर है या एस के पार्टिकल्स जो हैं ये जल्दी फटाफट उनके साथ क्लिंग होते हैं पानी के ड्रॉपलेट्स के साथ और इनके साथ टकरा जाते हैं और फिर ये जो गंदा पानी है जिसके साथ गर्दा मिला मिट्टी मिली वो यहाँ से फिर नीचे चला चला आता है उनकी कंटिन्यूस प्रोसेस है ये भी कंटिन्यूस प्रोसेस है ये चलता रहता है गैस चलती रहती है कंटिन्यूसली और यहाँ इसकी सर्कुलर मोशन अटैन होती रहती है और पानी से पानी की मदद से बहुत ज़्यादा सस्पेंडेड ट्वर्टिकुलर मैटर के पार्टिकल्स के लिंक हो जाते हैं पानी के ड्रॉपलेट्स के साथ और इसमें क्लिन के ज़्यादा चांसेस हैं रिजल्ट जो हवा ऊपर जाएगी जो हल्की हवा रहेगी साफ हवा रहेगी दैट विल मूव आउट फ्रॉम दिस आउटलेट सिंपल हाई प्रेशर स्प्रे नोजल जो होती है इट जनरेट्स जिससे ये स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर इंटरसेप्टेड जो है दैट थ्रोज द वॉल फ्रॉम ड्रैंड बहां से ड्रैन आउट किया जाता है दिस इज द मैकेनिज्म And these were some important instruments, rather equipments, for the control of particulate matter or suspended particulate matter, or you can say control of particulate pollution. Which we have discussed in I am again telling you, this is a very important question, often asked in the examination. Or, in general, question वहाँ पे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम के बहुत मार्क्स हैं एज कम्पेयर टू थ्योरी डायग्राम के बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं सो यू हैव टू ट्राई इट यू हैव टू वॉच इट अगेन एंड अगेन एंड यू हैव टू मेक यूर डायग्राम्स यू हैव टू ट्राई यूर डायग्राम्स अगेन एंड अगेन ऑन अ बुक्स थैंक यू